हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन पर यहाँ पे व्हाट्सएप पर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो गाइज़, यहाँ पे कभी कभी ऐसा इशू आता है कि अगर आप लोग व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप में इंटरनेट नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप लोग अपने फ़ोन को वाईफाई से यूज़ करते हैं तब यहाँ पे आपके फ़ोन में व्हाट्सएप पे इंटरनेट नहीं चलता है। तब इस कंडीशन में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में जो व्हाट्सएप का इंटरनेट है वो बंद हो जाता है। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करिए और इस तरीके से आपको यहाँ पर व्हाट्सअप लिखना है। व्हाट्सएप लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन करिए। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की ओर आना है। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा रेस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज करके, आप लोग यहाँ पे क्लिक करिए। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वाईफाई एंड मोबाइल डेटा का। तो आप लोगों को ना यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शन है दोनों को इनेबल करके आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे दोनों ऑप्शन को इनेबल करके ओके करेंगे तो दोस्तों आपके फ़ोन पर ये जो व्हाट्सएप का एप्लीकेशन रहेगा वो आपके फ़ोन में इंटरनेट को यूज़ कर पाएगा। अगर आप लोग इसको बंद कर देंगे तो ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाएगा और आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। और गाइस, ये जो ऑप्शन है वो कभी कभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बंद हो जाता है, तो आप लोग इसको जो है ऑन करते रहिएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।